الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. इस सूरत का नाम सूरे नूह है। नूह अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े नबी का नाम है। नूह इब्ने लामुक, लामुक आपके अब्बा का नाम है। और नूह ये लफ्ज़ नौहा से हैं, जिसके माने आते हैं बहुत ज़्यादा रोने। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोते थे, इसीलिए इनका नाम नूह बन गया नौहा से। और उनका असली नाम एक रिवायत में अब्दुल जब्बार बतलाया गया है। और आपको आदम सानी यानी दूसरे आदम भी कहते हैं। ये सूरत हिजरत से पहले नाजिल हुई, उसमें 28 आयतें हैं। सूरे नहल के बाद सूरे तूर से पहले 71 या 73 नंबर के ऊपर ये सूरत उतारी गई है। तर्जुमा देख लेते हैं। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा कि अपनी कौम को कुफ्र की सजा से डराओ, इससे पहले कि उन पर कोई दर्दनाक अजाब आ पहुंचे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और उस अल्लाह ताला से डरो और मेरी बात मान लो। वो अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ गुनाहों को मगफिरत कर देंगे और तुमको मुकर्ररा वक्त यानी जितनी जिंदगी मुकद्दर है वहां तक बाकी रखेंगे, या तुमको मुकर्ररा वक्त तक ढील देंगे। यकीनन अल्लाह ताला ने जो वादा किया है, जब वो आ जाएगा तो फिर उसको पीछे नहीं हटाया जा सकता। काश तुम ये बात समझते होते। अब ये हो गई सूरत की इब्तिदाई आयतें। मैंने अपने बाज़ बुजुर्गों से सुना है कि जिसके मकान के ऊपर दुश्मन लोगों के परेशान करने का डर और ख़तरा हो, तो आदमी सूरतुन नूह अच्छी तरह अदब के साथ, जैसे कि लेमिनेशन करवाया, फ्रेमिंग करवाया, इस तरीके से अपने मकान के दरवाजे के ऊपर लगा देवे। इस तरह लगावे कि आने जाने वालों के उस पर नज़र पड़े,
तो इंशाल्लाह दुश्मनों और जो है परेशान करने वाले लोगों से उसकी हिफाजत होगी, ख़ास तौर पर काफिरों मुशरिकों की शरारत से अल्लाह ताला उसको बचा के रखेंगे। ये एक मुजर्रब अमल मैंने अपने बाज़ बुज़ुर्गों से सुन रखा है, और हमारे डाभेल मदरसे की ऑफिस जहाँ हैं वहाँ हमारे हज़रत मोहतमीम साहब ने भी कई मुद्दत से सूरह नूह लेमिनेशन करके दरवाजे के ऊपर लगा रखी है। अब इस सूरत के अंदर बहुत सी अहम बातें हैं। पहली अजीब बात इस सूरत की ये समझो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, उसके अलावा किसी की कोई बात नहीं है। और पूरे कुरान के अंदर दो सूरतें ऐसी है कि जिसके अंदर एक एक नबी की बात है और किसी की नहीं। एक तो ये है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरे यूसुफ, और दूसरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरे नूह। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरे नूह में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरे यूसुफ में, इस तरीके से हैं कि दूसरे किसी का किस्सा है ही नहीं। ये पूरे कुरान की इन दो सूरतों की अजीब खूबी है। एक और खूबी ये है कि अल्लाह के बंदों को दावत कैसे देने की, ईमान की दावत देने का क्या तरीका है, ईमान की दावत देने के लिए क्या शर्तें हैं, ईमान की दावत के अंदर क्या अदब होना चाहिए, वो भी अल्लाह ने इस सूरत के अंदर बहुत अच्छे अंदाज के अंदर समझा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इमामुद्दाइन है। क्या मतलब? जितने भी दुनिया के अंदर दीन की दावत देने वाले हैं उन तमाम के लीडर, इमाम, पेशवा सब के सर खेल है। इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तमाम ईमान की दावत देने वालों के पेशवा और लीडर है। क्या रीज़न है उसका? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम के बीच का जो ज़माना है उसमें ईमान की लोगों को दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आम तौर पर लोग शिर्क और कुफ्र में पड़े हुए नहीं थे। जिस तरह एक बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, बेटा नसीहत सुन लेता है, बिल्कुल इसी तरीके से शुरू शुरू ज़माने में इस दुनिया में नबी अपने लोगों को नसीहत करते थे, लोग नसीहत मान लिया करते थे। नसीहत काफ़ी थी, बाकायदा दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए तो शफ़ात वाली हदीस में है, अव्वल रसूलिन बअसहुल्लाह, सबसे पहले बाकायदा रसूल जिनको अल्लाह ने दावत ईमान लेकर भेजा वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए दुनिया में ये दावत का काम शुरू हुआ, और ये दावत का जो तरीक़ा है ये नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से हमको मीरास में मिला है। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल जो ईमान की दावत देने में तंग हो जाता है उसका भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि हज़ार बरस तक
काफिरों के जुल्म को आपने सहन किया, बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बावजूद भी काफिरों की बात मान लेना, जर्रा बराबर उसका ख्याल भी आपके दिल मुबारक के अंदर नहीं आया, जुल्म सहन करते रहे, तकलीफें उठाते रहे, लेकिन काफिरों की कोई बात आपने नहीं मानी। यही ईमान का हाल होना चाहिए कि जो लोग ईमान के खिलाफ कुफ्र की शिर्क की बातें करे, हम उसको मानेंगे नहीं, अल्लाह आफियत में रखे। लेकिन उसके लिए अगर कोई जुल्म करे तो ईमान वाले के लिए जुल्म को सहन करना आसान है, लेकिन ईमान और दीन के अंदर कंप्रोमाइज और सुलह नहीं हो सकती। एक बात ये भी है कि दीन का काम करने वालों के अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी होना चाहिए, यानी जनता, पब्लिक, कौम के लोग जो तकलीफ पहुंचाएंगे तो उसको शांति से सहन करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। अगर एक तरीके से ये लोग न माने तो दूसरे तरीके से समझाओ, दूसरे तरीके से न माने तो तीसरे तरीके से समझाओ, लेकिन मुसलसल समझाओ। ये समझाना हर दावत देने वाले का काम है, और इस उम्मत का तो हर आदमी दावत का जिम्मेदार है। बाप अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए, बेटी के लिए, शोहर अपनी बीवी के लिए, भाई बहन के लिए, हर एक जिम्मेदार है, हर एक को दावत देते रहने का। अब जरा मैं आपको खानदान भी समझाऊं, क्योंकि दुनिया का शुरू शुरू का जमाना है हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान का, तो जरा फैमिली भी समझ लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान है, वहां से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में तकरीबन 10 खानदान हैं, 10 नस्ल है, 8 बीच में वास्ते हैं। पहले नंबर पर आदम, 10वें नंबर पर नूह अलैहिस्सलाम, बीच में 8 वास्ते हैं एक रिवायत के मुताबिक। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का के अब्बा लामुक, ये लामुक बहुत नेक आदमी थे, पक्के एक अल्लाह के मानने वाले थे और लोगों को भी एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। लामुक के अब्बा यानी नूह अलैहिस्सलाम के दादा, उनका नाम था मनुशलख, वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बहुत टैलेंट थे, उनका मगज दिमाग बहुत तेज चलता था। 10 बरस की उम्र में जितनी आसमानी किताबें हजरत इदरीस और शीश अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, वो सब इन्होंने जबानी याद कर ली थी। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी जगह पर दीन के जिम्मेदार और खलीफा इनको ही बनाया गया। और ये बड़े अजीब आदमी थे, इंसानों के लिए हर काम अच्छा होवे उसकी कोशिश करते थे। फिर मनुशलक के अब्बा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, इनका असली नाम उखनूख है, ये मशहूर नबी इदरीस अलैहिस्सलाम, कुरान में कितनी जगह उनका नाम आया है। ये आज दुनिया के अंदर जो बहुत सारी बातें हैं, लिखना, कपड़े सीना और गणित, ये सब चीज़ें, हिसाब, ये सब चीज़ें इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली है। कहते हैं कि वो लोगों को लेसन, सबक, दर्स बहुत देते थे, इसलिए उनका लकब इदरीस बन गया। उनके अब्बा का नाम, इदरीस अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम पीरू था, जो आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे काबिल की औलाद में से थे, जो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में, औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद थे।
और इन्होंने नाफरमानों के साथ हमेशा अल्लाह के खातिर जिहाद किया। यानी काबिल जो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, उसकी औलाद वो भी नाफरमान थी, तो उनके साथ ये पीरू जिहाद करते थे। और पीरू के अब्बा का नाम महलाइल था। इन्हीं महलाइल ने इंसानों को दुनिया के अलग अलग शहरों के अंदर बसाना शुरू किया, वरना थोड़े इंसान एक ही जगह पर रहते थे, अलग अलग शहर इन्होंने बनाए। बाबुल शहर जो इराक में बहुत मशहूर था, वो भी जो है इन्होंने ही आबाद किया था। इनके अब्बा का नाम जो है कीनान था। ये बड़े नेक आदमी थे। उनके अब्बा का नाम अनूश था, जो हजरत शीश अलैहि सलाम की औलाद में सबसे अच्छे थे। और उनके अब्बा का नाम हजरत शीश अलैहि सलाम है, जो हजरत आदम अलैहि सलाम के खलीफा बने और जो है उनके जरिए से दुनिया वालों को 50 छोटी छोटी आसमानी किताबें मिली। हजरत शीश अलैहि सलाम के जमाने में अल्लाह ने उन पर 50 आसमानी किताबें उतारी। अभी भी लोग शीश नाम रखते हैं इस नबी के मुबारक नाम के ऊपर। ये 8 हुए, उसमें कोई काफिर नहीं, सब मुसलमान थे। अब जरा एक दूसरी हिस्ट्री समझो, इतिहास। ये दुनिया में बुत परस्ती, मूर्ति पूजा, सनम परस्ती कब से चालू हुई, वो हिस्ट्री भी समझ लो अच्छी तरीके से। हजरत इदरीस अलैहि सलाम का मुबारक नाम आपने सुना, अल्लाह के बड़े नबी थे, हजरत आदम और हजरत नूह के बीच में थे, उनके बहुत सारे बेटे थे। ये तमाम बेटे, इदरीस अलैहि सलाम के तमाम बेटे अवलिया अल्लाह थे, बड़े नेक थे। हर बेटे ने अल्लाह की इबादत करने के लिए एक मस्जिद बनाई थी, और मस्जिद में बैठ करके हर बेटा अलग 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 इबादत करता था, और लोग भी मस्जिद में आते थे और इन नेक अवलिया अल्लाह के साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह की इबादत करते। और इदरीस अलैहिस्सलाम के तमाम बेटे बड़े नेक बुजुर्ग वली थे, तो उनके साथ इबादत करने में, जिक्र करने में लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जैसे आज भी है कि आप अकेले नमाज पढ़ो, जमात के साथ नमाज पढ़ो, किसी अल्लाह के वली की मस्जिद में उनके साथ नमाज पढ़ो तो बहुत फर्क लगता है। अकेले जिक्र करो, लेकिन किसी अल्लाह के वली के साथ बैठ के जिक्र करो तो बड़ा फर्क लगता है। तो उस जमाने की पब्लिक भी इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों की मस्जिद में आकर इबादत करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, तो उनको इबादत बहुत अच्छी लगती थी, जिक्र में दिल लगता था। अब ये तमाम बेटों का एक के बाद एक के बाद एक इंतकाल हो गया, तो पब्लिक को, मुरीदों को, अवाम को बहुत गम हुआ कि भाई जो इबादत करने का मजा आता था इन अल्लाह वालों के साथ बैठकर, वो मजा चला गया। अब वो मजा अकेले इबादत करने में नहीं आती, पब्लिक लोग आपस में ऐसी बातें करने लगे कि भाई अब वो इबादत का मजा नहीं रहा। तो इबलीस, बड़ा शैतान मर्दूद जो इंसान का दुश्मन है, वो एक बुढ़े बुजुर्ग की शक्ल में आया। देखो दुनिया की हिस्ट्री में बड़े अजीब अजीब जो है मौके आए कि जिसके अंदर बड़ा शैतान इंसान की शक्ल में आकर लोगों को खतरनाक राय और मशवरे देता है। अब ये मौका भी सुन लो, जिस तरीके से मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफिर लोग मशवरा करने बैठे,
तो वहां भी इबलीस एक बुड्ढे की शक्ल में आया। बदर की लड़ाई का किस्सा आपने रमजान के 70वें चांद को सुना था, तो उसमें मैंने आपको सुनाया था कि बुड्ढा इबलीस आया वहां इंसान की शक्ल में बदर के मैदान में। और हदीस में आता है कि कयामत से पहले दुनिया में शैतान सामने आ जाएगा और लोगों से लाइव आमने सामने बातें करेगा। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे जो सब नेक साले अल्लाह वाले थे उनका इंतकाल हो गया, तो इबलीस शैतान इंसान की शक्ल में आया, एक बड़े बुजुर्ग की शक्ल में, अमामा और हाथ में सर पे अमामा, हाथ में डंडा लेकर के। और लोग जो बेचारे रंज गम में थे उनको कहने लगा कि तुम्हारा गम दूर करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है, का एक काम करो, ये जो अल्लाह के नेक बंदे अवलिया अल्लाह इंतकाल कर गए, उनकी शक्ल सूरत उनकी बॉडी पत्थर में से बनाओ, यानी उनका पुतला बनाओ पत्थर में से, इनका स्टेच्यू बनाओ। ये सबसे पहले शैतान ने सिखाया, और पत्थर के उनके पुतले बना करके इन बुजुर्गों के जो बरकती कपड़े तुम्हारे पास है वो पुतलों को कपड़े पहनाओ, और पहना करके इन तमाम बुजुर्गों की जो अलग अलग मस्जिद है तो मस्जिद का जो मेहराब होता है उसमें ये पत्थर के पुतले ले जाके खड़े कर दो। देखो शैतान ने कितनी खतरनाक गंदी नापाक चाल चली, और दुनिया में बुत परस्ती कैसे जन्म लेती है वो देखो। का ये जितने अल्लाह वाले अवलिया अल्लाह कुतुब अब्दाल इंतकाल कर गए उनकी शक्ल सूरत पत्थर में से बनाओ, इनका पुतला बनाओ, और इनके इंतकाल के बाद जो बरकती कपड़े हैं इनको पहन, इनके पुतले को पहनाओ, और इनके ये पुतले उनकी मस्जिद के मेहराब में ले जाकर के रख दो। का नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ने की, और जो है इनके सामने खड़े होकर के दिल में ये सोचने का, इन अवलिया अल्लाह ला यमूतून, के अल्लाह के वली मरते नहीं है। यूं ध्यान करके उनके सामने खड़े रहो, ऐसे विचार करके खड़े रहो, तो तुमको वो मजा आएगा जो मजा उनकी जिंदगी में आता था। यानी इनकी जिंदगी में उनके साथ बैठ के जिक्र करने का, इबादत करने का जो मजा आता था, वही मजा उनके पुतले के पास बैठ करके जिक्र करोगे, नमाज पढ़ोगे, इबादत करोगे, तो ऐसा ही मजा तुमको आएगा। लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी कि बड़े बुरे बुजुर्ग जो आए अमामा बांध के डंडा लेकर के, उन्होंने तो बहुत अच्छा रास्ता बतलाया। इसीलिए कोई ऐसा ढोंगी आ जावे ना, ढोंगी तो बहुत सोच लेने का। आज लोग बाहर की पर्सनालिटी देख करके बहुत जल्दी जो है फिदा फिदा हो जाते हैं, और जब हकीकत का भांडा फूटता है तो फिर लोग जो है नफरत करते हैं। भाई ऐसे गांडे और अंधे अकीदत वाले मत बनो। जिन अल्लाह के नेक बंदों को, उलमा को, मुफ्तियाने किराम को आप बरसों बरस से जानते हो कि वो कैसे दीन और ईमान और शरीयत पर अमल करते हैं, बस उनसे ताल्लुक रखो। कोई अचानक आ जाए और आकर के जो है कोई ढोंगी धुतारा तुम लोगों को आकर के मीठी चिकनी चुपड़ी बात करके कुछ चमत्कार बतलावे, तो बहुत जल्दी उसकी बात में और जाल में फंस नहीं जाने का। तो उस जमाने के लोगों ने ऐसा ही किया, पुतले बनाए, कपड़े पहनाए, मस्जिद में ले जाकर पुतले खड़े कर दिए। फिर उस बड़े बुजुर्ग जो शैतान साहब थे उन्होंने एक बात इतनी बढ़ाई कि जब तुम इबादत और नमाज और जिक्र पूरा करके मस्जिद से बाहर जाने का इरादा करो, तो ये जो पुतले खड़े हैं उनके हाथ और पैर को चूम के जाने का कि हमारे बड़े बुजुर्ग है, उनका पुतला है,
उनके हाथ चूमो, पैर चूमो, तो इन बुजुर्गों की रूह को, अभी तो पुतले हैं सामने, उनकी रूह को पता चल जाएगा कि हाँ हाँ तुम मस्जिद में आए थे, तुमने आकर के इबादत की, तो वो अल्लाह ताला के सामने तुम्हारी गवाही देंगे कि मेरा ये उम्मती, मेरा ये मुरीद आया था इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने, जिक्र करने के लिए, अल्लाह के सामने ये गवाही देंगे, इसीलिए तुम उनके हाथ और पैर चूम के जाया करो। बस लोगों ने ये बात चालू कर दी, आगे चले आगे चले आगे चले, धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि इबादत खत्म, जिक्र खत्म, और हाथ और पैर को चूमना चाटना खाली बाकी रह गया। फिर धीरे धीरे हाथ चूमना खत्म हुआ और पैर को चूमना बाकी रहा, फिर पैर को चूमते चूमते सिजदा चालू हो गया। चूंकि पैर चूमने के लिए झुकना पड़े, नीचे गिरना पड़े, तो उन पत्थर के पुतलों के सामने सिजदे चालू हो गए। बस यहां से शिर्क चालू हुआ, बुत परस्ती चालू हुई, मूर्ति पूजा वहां से चालू हुई। बस इतने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक लोगों को समझाया कि लोगों, तुम जो है इन पत्थरों के बुतों की इबादत मत करो। जहां जहां उस जमाने में इंसान रहते थे, हर जगह जाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक दावत दी। लेकिन लोगों ने जब ईमान कबूल नहीं किया, तो फिर अल्लाह के हुक्म से आपने एक कश्ती बनाई, स्टीमर बनाई, और उस कश्ती के अंदर जानवर परिंदे का एक एक जोड़ा रखा, मेल फीमेल मुजक्कर मोनस एक एक जोड़ा रखा, और जितने ईमान वाले थे सबको बिठा लिया। और अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि एक तन्नूर, आगे पूरा तफसीली किस्सा आएगा, तन्नूर जिसमें जो है रोटी बनाते, तन्नूरी का, उसमें से पानी निकले तो सब लोग कश्ती के अंदर बैठ जाना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपके तीन बेटे जो ईमान लाए थे, और सब बहू और गुलाम बांदी और 80 ईमान वाले सब कश्ती में बैठ गए। उस कश्ती के ऊपर छापरा भी था, यानी ऊपर सरपोश था ताकि बारिश का पानी कश्ती के अंदर न आवे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी और बेटा कनान, वो कश्ती में नहीं आया, वो ईमान नहीं लाए थे। 6 महीने ये कश्ती पानी के अंदर रही। रज्जब की 10वीं तारीख को नूह अलैहिस्सलाम सवार हुए और मुहर्रम की 10वीं तारीख को पानी में से उतरे। 40 दिन तक बारिश बरसी, जमीन में से पानी के फुवारे निकले, और फिर धीरे 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 पानी घटना शुरू हुआ, और 6 महीने के बाद जमीन नजर आई और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे। एक कॉल के मुताबिक 1400 साल की उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई, 1400 साल की उम्र आपकी हुई। सुबहान अल्लाह। इस सूरत के जरिए से दीन का काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक ये है कि हम जिस इलाके में, जिस बस्ती में दीन की दावत लेकर के जाए, तो सबसे पहले वहां कौन सा गलत काम है, कौन सी रूहानी बीमारी है, कौन सी अकीदे और ईमान की खराबी है, कौन सी आमाल की खराबी है, वो सबसे पहले हम जान लेवे, और उसके मुताबिक लोगों को बुरे अकीदे से, बुरे आमाल से बचाने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। ये सबसे पहले हमको सीखने को मिला। और सूरतुन्नूह अल्लाह ताला ने
मेरे और आपके प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी। और हुजूर और हजरत नूह बहुत सारी बातों में सेम टू सेम है, एक जैसे है। हजरत नूह अलैहि सलाम और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी बातों में सेम टू सेम है, एक जैसे हैं। नंबर एक, हजरत नूह अलैहि सलाम सबसे पहले बाकायदा रसूल है, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी रसूल है। दूसरी चीज, हजरत नूह अलैहि सलाम ने जैसा सब्र किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी ऐसा सब्र करके उम्मत को दीन की दावत देनी है। और हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को ईमान की दावत शुरू की, उसके 1000 साल के बाद, तकरीबन 950 बरस के बाद अल्लाह का अजाब आया। फौरन अजाब नहीं आया, तो इस उम्मत मोहम्मदिया पर भी फौरन अजाब नहीं आएगा उमूमी, बल्कि कयामत के दिन आम अजाब आएगा नाफरमानों के ऊपर। ये भी एक दूसरी मुनासबत है हुजूर में और हजरत नूह अलैहि सलाम में। तीसरी मुनासबत ये कि हजरत नूह अलैहि सलाम ने भी लंबे जमाने तक दावत दी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी कयामत तक लंबी चलेगी। फर्क इतना कि नूह अलैहि सलाम ने खुद 950 बरस दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 23 साल तक दावत दी। उसके बाद हुजूर के जानशीन, हुजूर के सहाबा, खुलफाए राशिदीन, उम्मत के उलमा कयामत तक दीन की दावत का काम और आपके नाइबीन करते रहेंगे। इस तरीके से ये भी अजीब और गरीब मुनासबत है हुजूर में और हजरत नूह में। एक चौथी मुनासबत ये है कि हजरत नूह अलैहि सलाम तमाम इंसानों के लिए नबी थे, उसको नबुवत आम्मा कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत भी नबुवत आम्मा है, गोरे काले अरबी अजमी हरेक के लिए अल्लाह ने हमारे हुजूर को नबी बना के भेजा। एक पांचवी मुनासबत बतलाऊं, दो कयामत है, एक दरमियानी कयामत और एक लास्ट एंड फाइनल कयामत। दरमियानी कयामत यानी नूह अलैहि सलाम के जमाने के अंदर जो पानी का तूफान आया, जिसमें पूरी दुनिया के तमाम इंसान जानवरों को अल्लाह ने खत्म कर दिया कश्ती वालों के सिवा, तो भी एक छोटी सी कयामत थी। इसी तरीके से हुजूर की दावत भी बड़ी कयामत, जो लास्ट एंड फाइनल कयामत आने वाली है, वहां तक बाकी रहेगी। तो नूह अलैहि सलाम के जमाने में दरमियानी मिडल कयामत आई और हुजूर के जमाने में लास्ट एंड फाइनल कयामत आएगी, इसीलिए कि हुजूर का जमाना कयामत तक का जमाना है। और एक छठी बात बतलाऊं कि नूह अलैहि सलाम का तूफान जब खत्म हो गया तो अल्लाह ने नूह अलैहि सलाम को बड़ा ऊंचा मकाम दिया कि पूरी जमीन पर सिर्फ नूह अलैहि सलाम और ईमान वाले, उसके अलावा कोई नहीं रहा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद पिछले तमाम नबियों की दावतें मनसूख खत्म कर दी गई, पिछले तमाम नबियों की किताबें मनसूख कर दी गई। आज भी दुनिया में तौरात है, इंजील है, जबूर है, लेकिन मिलावट वाली कैसी भी है, लेकिन अब कोई उस पर अमल नहीं कर सकता, मनसूख। पिछले जमाने के धर्म मौजूद है,
यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे पिछले पुराने धर्म मौजूद है, लेकिन सब के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमा दिया अब कोई अमल नहीं कर सकता। अब आखिरी शक्ल में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के आए उसकी तरफ ईमान लाना सबके लिए जरूरी हो गया। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी। सबसे पहले अल्लाह ने नूह अलैहि सलाम को अपनी कौम की तरफ ईमान की दावत लेकर के भेजा, इसीलिए कि अपनी कौम है और अपनी कौम के हालात की खबर भी होती है, इसीलिए इंसान को अपनी कौम से दावत शुरू करनी चाहिए। इसीलिए हुजूर को भी फरमाया कि आप अपने करीबी खानदान को डराओ, व अनजिर आशीरतकल अकरबीन अन अनजिर कौमक, अपनी कौम को शफकत मोहब्बत खैर ख्वाही भलाई चाह करके डराओ। और उसमें वादा किया गया कि जो ईमान लाएगा तो ईमान की बरकत से अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह माफ कर देंगे। आज भी यही है कि ईमान की बरकत से, ईमान लाने से पहले जितने भी गुनाह होते हैं तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। सिर्फ बंदों का जो हक दबाया हो, हक तल्फी की हो, वो गुनाह बाकी रहेगा, वो तो हुकूकुल इबाद अदा करने के बाद होगा। तो ईमान की बरकत से पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसके बाद एक तकदीर का नाजुक अहम मसला समझो। तकदीर का, तकदीर दो तरह की, हम कहते हैं ना जो होता है तकदीर से होता है, तकदीर से होता है, तो तकदीर का एक नाजुक मसला समझो। मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं, अल्लाह आपके लिए समझना आसान फरमाए। दो तरह की तकदीर है, एक है मुबरम यानी कतई यानी फाइनल तकदीर। जैसे अपने कहते हैं ना किसी को, भाई तू ये 100 रुपए में बेचने का ये फाइनल भाव है कि कुछ कम करने की भी अंदर ये है कि 90 में 95 में हो जाएगा, तो कहता है कि 100 फाइनल, 1 पैसा भी अब कम नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं मुबरम कतई फाइनल। तो एक तकदीर ऐसी है कतई मुबरम फाइनल, और एक दूसरी तकदीर है जिसको कहते हैं मुअल्लक। मुअल्लक के माने लटकी हुई। जैसे आप किसी को कहवे ने कि भाई देख तू अगर मेरी ये बात मानेगा तो मैं तुझको 50 रुपये दूंगा, और तू मेरा ये काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं दूंगा। तू मुझे चाय पिलाए तो फिर मैं तुझे फलूदा पिलाऊंगा, तू मुझे चाय नहीं पिलावे तो मैं तुझे पानी भी नहीं पिलाऊंगा। ये मुअल्लक कहलाता है कि यानी लटका के, शर्त लगा के बात करें। इस तरीके से दो तरह की तकदीर होती है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ लोहे महफूज में फाइनल बात होती है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युथबित वइंदहु इल्मुल किताब वइंदहु उम्मुल किताब। जैसे कि हदीस में आता है कि अगर कोई आदमी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अच्छा सुलूक करता है, तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाते हैं, उम्र को लंबी फरमाते हैं। अब ये उसकी तकदीर में लिखा है कि भाई देखो अगर तुम जो है ना अच्छे काम करोगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम्हारी उम्र लंबी होगी, और रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरह नहीं रहोगे तो उम्र छोटी और टूकी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह को तो मालूम रहता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करेगा और 100 बरस की उम्र होगी, ये रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करेगा न 40-50 में चला जाएगा, मर जाएगा। अल्लाह को तो मालूम ही होता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे, इस तरह बहुत से काम हैं कि जिसके ऊपर इंसान की तकदीर को अल्लाह ने मुअल्लक किया हुआ होता है। अब यहां समझो,
हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम के बारे, उनकी उम्मत के बारे में ये था कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो मौत से पहले दुनिया में भी अजाब आएगा, और अगर ईमान ले आएंगे तो मौत से पहले दुनिया में अजाब नहीं आएगा। देखो, मौत का आना तो हर हाल में है, ईमान लाओ तो भी मौत आएगी, कुफ्र करो तो भी मौत आएगी। फर्क क्या कि अगर ईमान ले आएंगे तो दुनिया में अजाब नहीं आएगा, मरने के बाद भी अजाब नहीं आएगा, और कुफ्र करोगे तो आखिरत में तो अजाब होगा ही होगा, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला अजाब देंगे। तो हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम की कौम की तकदीर के अंदर इस तरह की बातें अल्लाह के यहां से फैसले में लिखी हुई थी कि अगर ये लोग नूह अलैहि सलाम पर ईमान ले आवे, नूह अलैहि सलाम की बात मानेंगे तो अल्लाह ताला हर एक को तबीई उम्र पर पहुंचाएंगे, लंबी लंबी उम्र देंगे, और अपनी अपनी वक्त के ऊपर मौत आएगी। और अगर ये लोग नूह अलैहि सलाम पर ईमान नहीं लाएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हजरत नूह अलैहि सलाम बद्दुआ करेंगे और तूफान के अंदर ये लोग सब हलाक हो जाएंगे। और अल्लाह ताला को मालूम था कि अक्सर लोग, ज्यादा लोग नूह अलैहि सलाम पर ईमान नहीं लाएंगे, नूह अलैहि सलाम बद्दुआ करेंगे, अजाब आएगा और सब लोग हलाक कर दिए जाएंगे। इसीलिए भाइयों, इस दुनिया में हम लोगों के एतबार से, हम इंसानों के एतबार से एक तकदीर है जिसका नाम है तकदीर मुअल्लक, लटकी हुई तकदीर। और उसका खुलासा यही निकलता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से बहुत सारे वादे हैं, जैसे माँ बाप से अच्छा सुलूक, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव, तो उसकी बरकत से अल्लाह उम्र लंबी करते हैं, रोजी में बरकत देते हैं, और अगर ये नहीं काम करोगे तो उम्र घट जाएगी, रोजी घट जाएगी। और अल्लाह को तो मालूम ही रहता है कि मेरा बंदा क्या करने वाला है और मुझे क्या देना है। तो अल्लाह के यहाँ हर तकदीर मुबरम है, कतई है, फाइनल है, और बंदों के एतबार से ये सब चीजें अल्लाह ने मुअल्लक रखी है। अल्लाह ताला हम सब को सही सच्ची खैर की बातों पर अमल की तौफीक और सआदत अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।